ऑल राइट गाइस, अभी ना मैं सिंचन चॉप हम तीनों रेडी हो गए। हाँ सिंचन, तूने घर के सारे स्विचेस ऑफ तो कर दिए है ना? फ्रैंगल भैया, सारे स्विचेस ऑफ कर दिए, नीचे वाले गेट भी लॉक कर दिए, सब कुछ डन है यार। वेरी गुड गाइस, अभी फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, आज मैं सिंचन चॉप ना हम तीनों जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। लिटरली गाइस, काफी दिन हो गया है और मैं सिंचन जाने वाले हैं एक ट्रेन जर्नी में, जो गाइस काफी ज्यादा लॉन्ग जर्नी होगी आज। फ्रैंगल भैया, मेरे सारे बैग्स रख दिए हैं, चलो ना। अरे चुप, तूने नहीं मैंने भी रखा है। हाँ मतलब मिलके रखा है ना हमने। लेट्स गो गाइस, चलो फ्रैंगल भैया, लेट नहीं होने तो जल्दी चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ सिंचन, मुझे पता है। गाइस अभी सिंचन ने और चॉप ने सारा सामान पैक कर लिया। चॉप, तूने अपने खाने के लिए सारा सामान ले लिया ना? अरे अपने नहीं, हम सबके खाने के लिए सामान ले लिया है फ्रैंगल भैया मैंने। वेरी गुड चॉप। और गाइस आप लोग देखो, हमारा लगेज इतना सारा है। चलो अभी फटाफट ना डिक्की बंद करते हैं और फटाक से यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी गाइस मेरी गाड़ी का ना डिक्की काफी ज्यादा टाइट है, वो लॉक ही नहीं होता है। पता नहीं ये सिंचन के बच्चे ने या चॉप ने किसी ने खराब कर दिया। चॉप, तूने हमारी गाड़ी खराब कर दी ना। अरे यार, मैंने तो डिक्की खोला भी नहीं, तो मैं कैसे खराब करूंगा? गाड़ी की डिक्की तो तूने खोला था ना। अरे चॉप सही बोले यार, गाइस चॉप तो खोल भी नहीं सकता है, लेकिन फ्रैंगल भैया मैंने तो बटन दबाया था और डिक्की खुल गई थी, उसके बाद बंद ही नहीं हुई यार। आप ही बंद कर लो, मेरे से नहीं होने वाला ये काम। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, ये डिक्की ना पीछे से खराब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में रिपेयर करा दूंगा। लेकिन हाँ, आज हमें बहुत सारा काम भी है सिंचन, टिकट भी बुक कराने हैं और तो और हमें स्टेशन में जाके ट्रेन भी पकड़ना है। चलो गाइस अभी फटाक से ना इसको दम लगा के बंद करते हैं। 1 2 लेट्स गो गाइस। फ्रैंगल भैया, मैं तो ऊपर आराम से बैठ गया। भाई साहब, ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा मस्त है। और गाइस फिलहाल हमारी डिक्की भी बंद हो गई है। फ्रैंगल भैया, फिर चले टिकट बुक कराने। हाँ हाँ सिंचन, चलते हैं। लेकिन एक मिनट, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। गाइस मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे एटीएम जाना पड़ेगा और वहां से पैसे निकालने पड़ेंगे। सिंचन, फिलहाल तो हमें यहां से सबसे पहले ना एटीएम जाना पड़ेगा और उसके बाद पैसे निकालने पड़ेंगे यार। फ्रैंगल भैया चले चले, फिर यहाँ पे हम लोग वेट क्या कर रहे हैं? गाइस हमें एटीएम जाना है, पैसे भी निकालने हैं, फिर टिकट भी बुक कराना है, उसके बाद जो होगा सो होगा। हाँ हाँ सिंचन बिल्कुल सही। और गाइस आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। गाइस आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिल्कुल जोर से दबा दो। सिंचन ऐसे तो फिर फोन टूट जाएगा ना। अरे इतने भी तेज नहीं दबाना है। फ्रैंगल भैया चलो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ सिंचन बिल्कुल सही बोल रहा है। फ्रैंगल भैया आज तो संडे है और आज तो बैंक बंद होगा, तो एटीएम से पैसे कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाइस आज संडे है और हमारा बैंक वाला एटीएम ना बंद होगा। फिलहाल मुझे ना कहीं और ढूंढना पड़ेगा जहाँ एटीएम हो। सिंचन वेरी गुड, तूने मुझे याद दिला दिया, वरना गाइस मैं तो कहीं और चला जाता और हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाते यार। फ्रैंगल भैया कोई बात नहीं, मेरे पास इतना दिमाग तो है यार, क्योंकि गाइस मैं हूँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। सिंचन तेरे से पढ़ाई तो होती नहीं है, फालतू कामों में इंटेलिजेंट बन जाता है। वेट वेट वेट, तुम दोनों अभी बोलो मत, वरना तुम दोनों आपस में लड़ाई कर लोगे। गाइस वेट यार, फ्रैंगल भैया आराम से चलाओ यार, अभी ठुक जाते ये लोग तो नाम हमारा आ जाता है कि हम लोगों ने इनको ठोक दिया। चलो फ्रैंगल भैया यहाँ से निकलते हैं। गाइस अभी लॉस एंड्रोस में ना मैं घूम रहा हूँ और हाँ, मुझे कहीं पे अभी तक एटीएम नजर नहीं आया। सिंचन एंड चॉप, तुम दोनों को एटीएम नजर आए तो मुझे बता देना, मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे यार। ठीक है फ्रैंगल भैया, मुझे नजर आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो गाइस मैं देखता हूँ, फ्रैंगल भैया एटीएम दिख गया। कहाँ पर ये तो बता। अरे लेफ्ट साइड में देखो एटीएम। एक मिनट, वो देखो गाइस मैंने नहीं देखा लेकिन चॉप ने देख लिया। चलो अभी फटाफट जाते हैं और एटीएम से पैसे निकालते हैं यार। ओए तुम्हें अकल नहीं है, गाड़ी कहीं भी मोड़ देता हो। वेट यार, ये क्या कर रहा है मेरे साथ? सिंचन इससे मुझे मारने शर्ट कर, ये ले। ओए ओए तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तो आपको बोलना चाहिए था ना, पहले कौन मारते आते के साथ, मारो फ्रैंकल भैया। ये ले। लिटरली गाइस मैंने अपनी कार को एटीएम की तरफ लिया और ये मेरे से फाइट करने आ गया। अभी फटाक से कार्ड लगाता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, 0001। ऑलराइट गाइस अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी फटाक से ना पैसे निकाल लिया। अरे मुझे पासवर्ड देखने था,
पासवर्ड तो मैं देख ही नहीं पाया है गाइस, मैंने थोड़ा सा सुना था पासवर्ड, 00 क्या था यार? फ्रैंकल भैया मुझे पासवर्ड बता दो ना। नहीं नहीं सिंचन, मैंने तुझे पासवर्ड बता दिया ना तो लिटरली गाइस सिंचन मेरे सारे पैसे खर्च कर देगा। सही हुआ यार कि तूने मेरा पासवर्ड नहीं सुना। चलो गाइस अभी यहाँ से मैं फटाक से निकलता हूँ यार। गाइस अगर आप लोगों ने पासवर्ड देखा था प्लीज कमेंट में बता दो। इतना तो मुझे याद है कि फ्रैंकल भैया बोल रहे थे 007। नहीं सिंचन ये भी नहीं है। गाइस आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो पासवर्ड क्या है, उसके बाद मैं और चप खूब शॉपिंग करेंगे। सही बोल रहा है सिंचन। गाइस अगर आप लोगों ने सुना है तो पक्का लिख देना। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें ट्रेन की टिकट भी तो बुक करानी है। बिल्कुल सही चप। वैसे गाइस अभी ना टिकट बुक कराने के लिए मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ, और आप लोगों को बता दूं जो हमारे बस स्टैंड में टिकट काउंटर था वो तो बंद हो गया है, मुझे बहुत दूर आना पड़ा है। लिटरली गाइस अभी यहाँ जाते हैं और फटाफट से हम लोग यहाँ पर ना टिकट बुक कराकर यहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं यार। गाइस कोई बात नहीं, हमारे को यार मजे तो आएगा। गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग फ्रैंकल भी अपनी गाड़ी ठोक भी दिया के साथ। हाँ सिंचन यहाँ पे थोड़ा अलग था। चलो कोई बात नहीं अभी फटाफट से ना मैं टिकट बुक करता हूँ और उसके बाद हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी यार। फ्रैंकल भैया ये जगह इतनी घुमावदार है, क्या है इसके अंदर? अरे चप ये स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है ये। हाँ हाँ अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ना गेम खेलते हैं। चलो ये है हमारा टिकट काउंटर और गाइस यहाँ पे ना फुटबॉल मैच होता है। चलो अभी फिलहाल मेरे को ना यहाँ से ट्रेन की टिकट बुक करनी चाहिए, एक चॉप की और एक मेरी। चलो फिलहाल गाइस मेरे पास ना मैसेज भी आ गया है, चॉप की भी हो गई है, मेरी भी हो गई है और सिंचन की भी हो गई है यार। फ्रैंकल भैया टिकट हमारी ज्यादा जल्दी नहीं बन गई क्या है? हाँ हाँ सिंचन बन भी गई, और गाइस हमारी ट्रेन ना अभी से 30 मिनट के बाद है। चलो चलो फटाफट स्टेशन में चलते हैं, और वैसे भी गाइस स्टेशन काफी ज्यादा पास है, हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। अरे पास में है क्या, फिर तो बहुत बढ़िया है। चुप और कुछ खाने पीने का लेना है क्या? सिंचन मैं तो कहूँ पूरी गाड़ी भरी हुई है और तुम दोनों को अभी भी कुछ खाना पीना है। लिटरली यार इनका पेट है कि कुआं है यार। फ्रैंकल भैया आपके पास पैसे हैं तो ले लो ना और कुछ, जब बताएगा तब ना। सिंचन क्या ले पॉपकॉर्न ले ले क्या? अरे नहीं नहीं पॉपकॉर्न कौन खाएगा, हमारे बैग में जब इतना सामान पड़ा है तो हम लोग और रख के क्या करेंगे। बात तो सही बोल रहा है, लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग क्या ले यार। चुपचाप बैठ जा गाइस, लिटरली पूरा बैग भरा हुआ है और अभी भी सोच रहा है क्या ले यार। ये भुक्कड़ ना बहुत ज्यादा खाता है और खा के बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया है गाइस, लिटरली में ये भाग भी नहीं पाता है यार। अरे ये गाड़ी कहाँ पे चला रहे हो तुम? अरे यहाँ पे रास्ता थोड़ी है चलाने की गाड़ी। ऑलराइट गाइस मैंने थोड़ा फास्ट चला दिया था इसलिए वहाँ पे थोड़े लोग ना गुस्से में आ गए थे। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और फटाफट स्टेशन पहुँचते हैं, और स्टेशन में पहुँच के हम लोग वहाँ पे अपनी ट्रेन में बोर्ड करते हैं। लिटरली गाइस मजा आ जाएगा। वैसे गाइस अभी ना हम लोग स्टेशन के पास पहुँचने वाले हैं। सिंचन आज तो मजा आएगा, हमारी ट्रेन ना बहुत ज्यादा प्रीमियम है यार। फ्रैंकल भैया कोई बात नहीं, प्रीमियम हो या कैसे भी हो। वेट सिंचन हमें इन पटरियों में जाना है। लिटरली गाइस ये पटरियों के ऊपर हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और हमारा स्टेशन आ गई है। लिटरली यार मुझे लगता है ना कि लोकेशन गलत आ रही है। अरे फ्रैंकल भैया पटरियों में चला रहे हो, पीछे से ट्रेन आ गया तो हम लोग उड़ जाएंगे। हाँ सिंचन ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन गाइस लोकेशन तो वेट स्टेशन पटरियों के ऊपर, ये क्या बात हुई? मुझे लगता है ना ये पटरियां खराब हो गई हैं और इनके ऊपर ट्रेन नहीं चलती यार। फ्रैंकल भैया मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, अगर पीछे से ट्रेन आ गया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। और गाइस हम लोग तो हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं यहाँ पे स्टेशन बना हुआ है, इसका मतलब गाइस यहाँ पे ट्रेन नहीं आएगी। सिंचन अभी फटाफट से ना सारे बैग को उतारते हैं और गाइस वेट करते हैं हम लोग अपनी ट्रेन का। लेकिन गाइस इधर से ट्रेन आ गई तो क्या होगा, हम लोग तो उड़ जाएंगे यार। फ्रैंकल भैया बस बहुत बार हो गया है, अब मत बोलो। गाइस वैसे भी मुझे डर लगता है कि उधर से ट्रेन आएगी और हम लोगों को ठोक के चले जाएगी। सिंचन सही बात है भाई, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे तो स्टेशन बनाया है और वो भी लॉस एंड के डिपार्टमेंट ने। हाँ हाँ ये बात भी सही बोल रहा है। गाइस काफी ज्यादा देर हो गया है लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है, मुझे लगता है ना हमारी ट्रेन लेट हो गई है। वैसे भी गाइस ट्रेन को अब तक आ जाना चाहिए था, अभी आधा घंटा भी हो गया है, अब कब आएगी यार,
वेट करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फ्रैंगल भी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मसाज वाली सीट भी लगी है, अगर आप ज्यादा थक गए हो तो मसाज भी करवा सकते हो। सिंचन यार क्या जरूरत है मसाज की, सिंचन वहाँ देख, वहाँ पे प्राइस टैग भी है पूरे $100 का। फ्रैंगल भी छोड़ो छोड़ो, आप शांति से सो जाओ, यहाँ पर है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से ट्रेन अभी तक नहीं आई, गाइस वहाँ पीछे पेप्सी रखी है। फ्रैंगल भैया क्यों ना पेप्सी लेके आ जाओ तीन तीन। चुप, ये पेप्सी ना बहुत ज्यादा महंगी है। नहीं नहीं, हम अभी नहीं पियेंगे, कभी और पियेंगे। लिटरली गाइस ट्रेन आने का टाइम हो चुका है, लेकिन ट्रेन अब तक आ नहीं रही है, और ट्रेन अभी तक गाइस 10 मिनट लेट हो गई है। गाइस आप लोगों को बता दूं, लॉस एंजेलिस रेलवे डिपार्टमेंट है ना, कभी लेट नहीं होती है, लेकिन आज पूरे 10 मिनट लेट हो गई है यार। फ्रैंगल भैया मुझे भी प्यास लग रही है, तीन तीन पेप्सी ले लो ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ फ्रैंगल भैया को, फ्रैंगल भैया ले लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती यार। ठीक है मैं भी लेता हूँ। चलो गाइस चौपर सिंचन बोल रहे हैं ना, तो मैं ले ही लेता हूँ यार। मैं बोल रहा हूँ आज मेरी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है, और तो और मेरी ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई थी। वैसे भी यहाँ पे मेरे को अभी 3 पैसेंजर्स को बोर्ड करवाना है, बेचारे वो लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे, शायद ये लोग यही तो हैं। चलो अभी फटाफट उतरता हूँ और इनकी टिकट चेक करता हूँ, उसके बाद इनको बोर्ड करवाता हूँ। ए बच्चे, तुम लोग इस ट्रेन में सफर करने वाले हो, और तुम लोग फटाफट से टिकट दिखा दो। एक मिनट, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। ठीक है। अरे तुम्हारी टिकट्स तो मैंने देखी थी, तुम्हारी टिकट्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और तुम्हें इस ट्रेन के बाहर बैठ के सफर करना है, मतलब समझ रहे हो, इंजन में बैठ के। थोड़ा ट्रेन की टिकट बुक कराते वक्त तुम्हें देखना चाहिए कि कहाँ पे बैठना चाहिए और कहाँ की सीट बुक करा रहे हो यार। अरे फ्रैंकल भी आपने ये क्या बुक करा दिया है। सुनचन कोई बात नहीं यार, अब जो टिकट बुक हो गई सो हो गई, हम लोग बैठ के चलना घूमते हैं अब। लगता है ये लोग पैसे बहुत ज्यादा बचाते हैं, मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी ट्रेन चलानी है। गाइस यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने कौन सी टिकट बुक करा दी है। सॉरी चॉप एंड सिंचन, मुझे नहीं पता था कि मैंने ट्रेन के बाहर मतलब इंजन की टिकट बुक करा दी है यार। कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया, मैं सिंचन तब भी ट्रेवल कर लेंगे। हाँ फ्रैंकल भैया ऐसी कोई बात नहीं है, गाइस आप लोग देख सकते हो अंदर से तो बढ़िया ही है, कि हम लोग बाहर आराम से व्यू लेके खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। सिंचन खाना पीना शुरू करें। अरे चुप द भुक्कड़, थोड़ा लॉस एंजेलिस से बाहर चलते हैं ना, तब खाना शुरू करेंगे। गाइस यार फिलहाल ना हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो गई है, और आप लोगों को बता दूं ये ट्रेन जा रही है एक बहुत बड़े माउंटेन की तरफ। लिटरली गाइस आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, और हाँ आप लोग को हमारी ट्रेन जर्नी बढ़िया लगती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ कमेंट में लिख दो ट्रेन जर्नी, जिससे गाइस मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग को भी ट्रेन जर्नी बढ़िया लगती है। सिंचन अभी देख हमारी ट्रेन कितनी ज्यादा स्लो चल रही है यार। अरे फ्रैंकल भैया फास्ट भी चलेगी, आप बस देखते तो जाओ। और गाइस मुझे पता था ये ट्रेन माउंटेन में जाएगी, क्योंकि इसके इंजन में माउंटेनर भी तो लिखा है। हाँ हाँ सिंचन बिल्कुल सही, और गाइस ये इंजन ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आप लोग देखो अभी यहाँ फैक्ट्री साइड में ना बहुत स्लो चल रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग बिल्कुल खुले एरिया में जाएंगे वैसी ये ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट चलेगी यार। फ्रैंकल भैया अब मेरे को तो भूख लगने लग गई, मैं तो चला खाना खाने। अरे खाना खाना, लेकिन मेरी ट्रेन को गंदा मत करना। ए बच्चे ये सामने से हटो तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। फिलहाल गाइस अभी ना मैं ऊपर आ गया, और आप लोगों को बता दूं ऊपर से क्या व्यू आ रहा है, सिंचन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वेट गाइस अभी हमारी ट्रेन ना लॉस एंजेलिस से बाहर निकल रही है, लिटरली एक बार लॉस एंजेलिस से बाहर और उसके बाद ट्रेन की स्पीड दुगनी हो जाएगी यार। कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया, स्पीड चाहे कितनी भी हो हम लोग तो आराम से एंजॉय करेंगे। सही बोले चुप, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड गाइस जो लोग ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे हैं वो लोग को देखो, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे और उनकी आवाज भी नहीं आ रही। हाँ सिंचन बिल्कुल आराम से बैठ जा, वरना एक बार ट्रेन से गिर गया ना तो लिटरली गाइस सिंचन यहीं रह जाएगा, और मैं और चुप हम दोनों जाएंगे माउंटेन में। लिटरली गाइस फिर तो सिंचन भागता हुआ आएगा, कैसा लगेगा ना सिंचन। अरे फ्रैंक भी है, मैं क्यों गिरूंगा भला। और चुप तू वहाँ क्या कर रहा है। अरे यार आराम से व्यू का मजा ले रहा हूँ,
गाइस आपको बता दूं, मैं तो बहुत आराम से बैठा हुआ हूं और यहां पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। चुप, सही बोल रहा है यार। गाइस लॉस एंजेलिस से बाहर निकलेंगे ना तो बहुत खुला खुला वेदर रहेगा, उसके बाद बहुत मजा भी आएगा। अरे बच्चे तुम अंदर ही आ जाओ, तुमको बाहर का व्यू देखना है तो। ऑल राइट गाइस, अभी मैं ना ट्रेन के इंजन के अंदर आ गया हूँ क्योंकि मैं बाहर बिल्कुल सामने चला गया था और मुझे अंकल ने अंदर बुला लिया। चलो अंदर से देखो आप लोग व्यू, वो देखो सिंचैन एंड चॉप खड़े हैं और मैं अंदर बैठा हूँ। अंदर से बैठने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है यार। अरे आप अंदर हो क्या अंकल, मैं भी अंदर आ जाऊँ? नहीं 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 नहीं, अंदर अलाउड नहीं है, वो तो मैंने इस बच्चे को बुला लिया। ए बच्चे, वो बच्चा आए उससे पहले तुम बाहर निकल जाओ। हाँ मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं सभी को दिखा दूं कि ट्रेन के इंजन के अंदर कैसा होता है। गाइस आप लोगों ने देखा ये ट्रेन कितने आराम से अपने आप चल रही है और अंकल आराम से बैठे हैं। लिटरल यार ट्रेन का लोको पायलट बनना ना बहुत बढ़िया काम होता है। फ्रैंगल भी है और हार्ड काम भी होता है, क्योंकि हैंडल करना, सिंगल देखना, बहुत सारी जरूरी चीजें भी तो होती है। बिल्कुल सही बच्चे, ट्रेन का लोको पायलट बनना कोई आम काम नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड काम है। ए बच्चे अब आप बाहर जाओ वरना यहाँ पे मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि लोको पायलट के पास कोई नहीं आना चाहिए यार। फ्रैंक भैया मैंने बोला था ना आइसक्रीम खा लो, पूरी आइसक्रीम पिघल गई यार। ओके गाइस अभी मेरे को ना बाहर जाना होगा, चलो फटाक से चलते हैं। वैसे गाइस अभी यहाँ देखो एक हिरन ना हमारे ट्रेन के आगे जा रही है, लिटरली में वो हमारी ट्रेन के आगे ना आ जाए वरना गाइस इमरजेंसी ब्रेक लगेगा नहीं और वो ट्रेन हवा में उड़ जाएगी। ए हिरन सामने से हट जाओ यार, वरना ट्रेन ठोक देगी तेरे को। अरे फ्रैंकल भैया आप लोग देख सकते हो गाइस ये हिरन अब रोड के साइड चली गई। हिरन आराम से जाओ वरना तुम्हें कोई ठोक देगा तो चोट लग जाएगी। गाइस मुझे लगता है ना वो हिरन ट्रेन से डर गई है और वो देखो वो रोड में भाग रही है। यार वो हिरन ना वापस से जंगल में चले जाए वरना रोड में ठुक जाएगी और वो चोट लग जाएगा उसको। गाइस मैंने देख लिया फ्रैंक भैया वो रोड साइड चला गया था। अंकल यार मुझे ना बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, एक बार ट्रेन रोक दो। अच्छा अच्छा ठीक है अभी रोकता हूँ, वैसे भी ट्रेन का स्टॉपेज आने वाला है, आराम से उतर जाओ। अरे चलते हुए ट्रेन से क्यों कूद गए, मैं रोकने वाला था। गाइस मुझे ना बहुत तेज से टॉयलेट आ रहा है और लिटरली मैं तो चलते हुए ट्रेन से कूद गया। अभी यहीं पे ना फटाफट से टॉयलेट करता हूँ और उसके बाद वापस से ट्रेन में बैठ जाऊंगा। अरे बच्चे थोड़ा जल्दी, लेट करोगे तो मैं ट्रेन को चला दूंगा यार। फ्रैंकल भैया ट्रेन आपके लिए रुक गई। गाइस मैंने लाइफ में पहली बार देखा है किसी सिंगल आदमी के लिए पूरी ट्रेन रुकी हुई यार। अरे नहीं नहीं बच्चों, मुझे आगे जाने का सिग्नल नहीं मिल रहा इसीलिए मैंने ट्रेन रुकी है, ये फ्रैंकलिन के लिए नहीं। फ्रैंकलिन जल्दी आ जाओ, जैसे मुझे ट्रेन का सिग्नल मिल जाएगा मैं ट्रेन चला दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, कभी वो लोग हाँ बोल रहे हैं कभी ना, क्या आप कह रहे हैं वो लोग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी बोलते हैं ट्रेन को चलाओ और कभी बोलते हैं ट्रेन को रोको। गाइस मुझे लगता है ना लोको पायलट के पास बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल नहीं आ रहे इसीलिए ट्रेन को कभी चला रहे हैं और कभी ट्रेन को रोक रहे हैं यार। फ्रैंकल भैया मुझे भी कुछ ऐसी लग रहा है। अंकल कोई बात नहीं आप देख लो सब कुछ ओके हो तभी ट्रेन को चलाओ। अरे हाँ लेकिन मुझे लगता है आगे टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। चलो सिग्नल आ गया अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं यार। चलो गाइज फाइनली सिग्नल आ गया और ट्रेन जब धीरे धीरे चलती है ना तो गर्मी भी ज्यादा लगती है। अंकल अब ट्रेन को मत रोकना, बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है यार। अच्छा ठीक है लेकिन गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है इसीलिए तुम्हें गर्मी लग रही होगी। फ्रैंकलिन छत से गिर मत जाना वरना ट्रेन अब रुकने वाली नहीं है, अब डायरेक्ट अपने मंजिल में रुकेगी ये ट्रेन। अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो बहुत बढ़िया है, लेट्स गो गाइस। अंकल अब क्यों रोक दी ट्रेन? अरे यार ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये ट्रेन रोकनी पड़ रही है, आगे से सिग्नल आ नहीं रहे। गाइस मुझे लगता है ना कि लॉस एंजेलिस के रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ हो गया है, बार बार सिग्नल दे नहीं रहे और बार बार हमारी ट्रेन को रोक दे रहे हैं। हाँ पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता है वहाँ का स्टाफ सो रहा है और बार बार इस ट्रेन को रोक दे रहा है यार। फ्रैंकल भैया ये तो बहुत गलत बात है, गाइस हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और ऊपर से ना हमारे पास एसी है ना पंखा, हवा चल रही है इसलिए बचे हुए हैं और इंजन भी बहुत ज्यादा गर्म है यार। हाँ मुझे पता है बच्चों ये इंजन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, चलो
फिलहाल अभी वापस से सिग्नल मिल गया है ट्रेन को चलाने का, लेकिन ये लोग वापस ना बोल दे इस ट्रेन को रोकने के लिए। यार फ्रैंकल भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। अंकल आप अपने मन से चला दो और क्या। नहीं 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 बच्चे, ये ट्रेन है खिलौना नहीं कि अपने मन से चला दो। वो ऊपर से कमांड आते हैं हमें कि कितना तेज चलाना है, कब रोकना है और कब चलाना है। वैसे हम अपने मर्जी से चलाएंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अच्छा ऐसी बात होती है क्या। हाँ हाँ बच्चे, अभी तुम्हें लॉस सैंटोस रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है इसीलिए यार। अच्छा फिर तो कोई बात नहीं अंकल, जैसे चलाना है वैसे चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोई में यार मेरा माथा खराब हो गया है आज ट्रेन को बार बार रोकने में और चलाने में। गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार हमारी ट्रेन रुक रही है और चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, शायद कोई टेक्निकल एरर होगा। लो वापस से चल पड़ी, बार बार रुक रही है बार बार चल रही है। लिटरली में ऐसे तो हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे और उसके बाद हमारी ट्रेन बहुत लेट हो जाएगी यार। फ्रैंकल भैया मैं तो चाहता हूँ हमारी ट्रेन लेट ना हो, क्योंकि गाइस आपको बता दूं हमारी ट्रेन लेट होगी तो हम लोग रात में पहुँचेंगे। रात में पहुँचेंगे तो करेंगे क्या, वहाँ पे हम लोग सिर्फ होटल ढूंढेंगे क्या। हाँ सिंचन बिल्कुल सही। अरे चिंता मतलब बच्चों, एक बार मुझे परमिशन मिल जाए थोड़ा स्पीड चलाने का उसके बाद तो मैं अपनी ट्रेन को बहुत ज्यादा स्पीड ले जाऊंगा। देखो अभी मुझे परमिशन मिल गई है इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है यार। ड्राइवर अंकल बहुत बढ़िया, अब मत रोकना चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस अगर सिग्नल भी नहीं आएगा ना तब भी चला देना अंकल, क्योंकि बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया है। अब देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सिंचन तुझे गर्मी लग रही है क्या। अरे नहीं चुप, अब तो गर्मी नहीं लग रही और अब तो मजा भी बहुत आ रहा है। अच्छा मैं समझ गया, आगे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए हमें बार बार सिग्नल नहीं मिल रहा था। बच्चों एक्सीडेंट वो भी ट्रेन का। ना 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 ऐसे मत बोलो अंकल। गाइस लेट्स गो, अब हम लोग जा रहे हैं एंड यहाँ पे देखो एक टनल भी आ गया। फाइनली गाइस हमारी ट्रेन ने वापस स्पीड पकड़ लिया है। लिटरली यार हमारी ट्रेन ने ना हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देता, कभी रुक रही थी कभी चल रही थी, वापस से रुक रही थी वापस से चल रही थी। अरे वो तो सिग्नल प्रॉब्लम थी ना, पर अब तो ट्रेन बहुत बढ़िया चल रही है। अंकल कैरी ऑन ऐसी चलाओ ट्रेन को। ठीक है वैसे भी थोड़ी देर बाद तुम्हारा स्टॉपेज आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, पूरे एक घंटे बाद अचानक से बारिश बहुत तेज होने लग गई और अंकल कह रहे हैं हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है। और तार ये ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है, बारिश भी आ रही है लेकिन ट्रेन चलाने का मजा कुछ और ही है। और आप सभी का स्टॉपेज आने वाला है और आप सब ध्यान दीजिए, अपना लगेज उतारिए और आप लोग आराम से खुद उतर जाइए, क्योंकि आपकी टिकट इस फ्लाईओवर तक ही थी यार। फ्रैंक भैया वाओ कितना मस्त यार। गाइस देखो कितना ऊंचा फ्लाईओवर है ये। हाँ हाँ सिंचन, मैंने ट्रेन की टिकट ना यहीं तक बुक किया था क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एडवेंचर। और लो गाइस आप लोगों को बता दूं ये फ्लाईओवर ना ये पुल बहुत ज्यादा पुराना है और इसीलिए गाइस यहाँ से ट्रेन ना बहुत धीरे धीरे जाएगी। जैसी ट्रेन ने स्पीड बढ़ाया वैसी गाइस ये पूरे पुल हिलने लग जाती है और ये कभी भी टूट सकती है, इसीलिए गाइस ये ट्रेन आराम आराम से पुल को क्रॉस कर रही है। चलो अभी हम लोग तो उतर गए लेकिन यहाँ पे मैं जो करने आया हूँ वो करूँगा। सिंचन मैं यहाँ से जंप लेने वाला हूँ और जंप लेने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फ्रैंकल भैया मेरी तो सांस फूल जाएगी। गाइस मैं नहीं जाने वाला नीचे। चुप जाएगा और तुझको मैं लेके जाऊंगा। सिंचन पहले मैं जाता हूँ, लेट्स गो गाइस। 1 2 सिंचन मैं जा रहा हूँ तू आज यो ठीक है ना। फ्रैंक भैया सोच समझ के करना जो भी कर रहे हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। नहीं नहीं सिंचन आज तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और गाइस आप लोग चाहते हो मैं यहाँ से जंप लूँ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और मैं चला, ऑल राइट गाइस मजा आ गया और ये थी तो पानी में। वैसे गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा था लेकिन पानी का तेज बहाव है और बारिश भी आ रहा है इसीलिए ये पानी तो मुझको लेते जा रही है यार। फ्रैंकल भैया आराम से कहीं डूब मत जाना। सिंचन चल चल हम लोग पैदल चलते हैं। चुप शांत हो जाए, डायरेक्ट मेरे सर पे आके बैठ जाए। ओके ऑल राइट गाइस मैं तो नीचे आ गया हूँ। सिंचन तू भी जंप लेके नीचे आ जा। गाइस यहाँ से बिना मुझे वहां जाना पड़ेगा वरना पानी का बहाव तेज होगा और मुझे बहा के ले जाएगा। लो मैं तो आ गया, अब बारी सिंचन की और चॉप की।
लिटरली यार बहुत ज्यादा मजा आया और इस एडवेंचर में बहुत अच्छा लगता है। अरे यार मैं मना कर रहा हूँ ना। और गाइज आप लोग देखो, अभी तक ये ट्रेन गायब नहीं हुई, लास्ट बोगी बची है और ये भी अब जा रही है। चलो यार सिंचन पैदल चलते हैं। तू बहुत गलत सोच रहा है चप, हम लोग पैदल तो नहीं जाने वाले। और बाय ट्रेन, थैंक यू हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाय ट्रेन बाय। सिंचन क्या करने वाला है तू? भाई चप जो फ्रेंड मैंने किया। लेट्स गो गाइज, 1 2 3। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं हम लोग पानी में जा रहे हैं। ओ गाइज ये देखो क्या मजा आया ना चप। मजा तो आया लेकिन यार ओ मेरे मुंह में पानी जा रहा है। नहीं नहीं चप पानी नहीं जाएगा। सिंचन इधर आ जा, इधर आ जा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यार। अच्छा आया 2 मिनट। ओ यार बहुत ठंडा पानी था आज तो। हाँ सिंचन, अरे मैं डूब रहा हूँ जल्दी बाहर कर। कितना एक्टिंग करता है चप, थोड़ा तो शर्म कर। नहीं सिंचन मैं डूब जाता आज तो क्या होता मेरे साथ। वैसे गाइस ये चप ना बहुत ज्यादा डरपोक है, लिटरली में आज यहाँ पे बारिश हो रही थी और यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चलो अभी यहाँ से ना हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो कोई बाइक एंड कार या कोई बस चलती नहीं है और हमें यहाँ पे ना होटल भी ढूंढना पड़ेगा। लिटरली सिंचन मजा आ गया यार यहाँ से जंप लेकर। अरे मजा है, मुझे तो बहुत मजा आया था। फ्रेंक भी है, हम उस फ्लाईओवर पे वापस कैसे जा सकते हैं? वापस से पानी में जाकर और वापस से ऊपर जाना पड़ेगा सिंचन। अच्छा ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं छोड़ो। और गाइस आप लोग देखो पानी का स्पीड। पानी तो मुझे वापस से भाग ले गई। सिंचन आराम से वरना तू भी बह जाएगा यार। फ्रेंक भी है आपका ATM खो गया, लो मैंने उसको पानी में देखा था। ऑलराइट गाइस वो तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ आप लोग ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।